हाय गाइज, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। तो हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट और उसमें हम IS मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ रहे थे, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। और हम इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि हम HR परस्पेक्टिव से ऑर्गेनाइजेशन को देखने की कोशिश कर रहे थे, और इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमने जाना था कि आज की डेट में सही आदमी को विद सही स्किल्स और सही व्यक्ति को सही जॉब में लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार हमने ये बोला था कि सिस्टम्स ऑटोमेट होते जा रहे हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ती जा रही है, और प्रोडक्टिविटी इस लेवल तक बढ़ गई है कि व्हाट्सएप जैसे ऑर्गेनाइजेशन $19 बिलियन में बिकते हैं जिसमें 50 लोग काम करते हैं, तो एक एक आदमी मिलियंस ऑफ डॉलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यानी कि वो अगर यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छी HR प्रैक्टिसेज हों, स्ट्रॉन्ग HR प्रैक्टिसेज हों। अगर अच्छी HR प्रैक्टिसेज नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन में। तो हमने ये पढ़ा था कि बेस्ट प्रैक्टिसेज कौन होंगी HR मैनेजमेंट, हायरिंग की क्या बेस्ट प्रैक्टिसेज होती हैं, उसके अलावा एक हल्का सा पढ़ा था कि प्रमोशन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे शेड्यूलिंग और टाइम रिपोर्टिंग। तो प्रॉपर शेड्यूलिंग होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, और शेड्यूलिंग क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने ठीक तरीके से शेड्यूलिंग नहीं की है तो रिसोर्स का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं होगा। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन में शेड्यूलिंग पूरी तरीके से परफेक्ट रूप से शेड्यूलिंग नहीं हो पाती है। कई बार रिसोर्स IT एसेट्स की शेड्यूलिंग नहीं हो पाती, कभी माइन पावर की शेड्यूलिंग नहीं हो पाती है। तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट में क्लाउड में जाने के लिए तैयार हैं। वो क्लाउड में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर उन्हें स्पेशलाइजेशन मिलेगा। वहाँ पर क्या है कि आपका सारा डेटा एक पर्टिकुलर कंपनी को आउटसोर्स हो जाएगा, और वो कंपनी एक पर्टिकुलर लॉजिकल स्टोरेज की तरह काम करेगी, और वहाँ पर आप उसमें क्लाउड में कंप्यूट भी कर सकते हैं, चीज़ें कंप्यूट करके रिजल्ट्स आपके पास आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक गूगल, छोटा सा एग्जांपल, आप गूगल को आप एक क्वेरी भेजते हैं, वो खुद अपने सर्वर पर जो है कंप्यूट करता है और फिर उसके बाद आपको रिजल्ट्स दे देता है। प्रॉपर शेड्यूलिंग होना बहुत ज़रूरी है एफिशिएंट ऑपरेशन के लिए, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज के इफेक्टिवली यूज़ होने के लिए। और टाइम रिपोर्टिंग जो है मैनेजमेंट को हेल्प करता है कि वो शेड्यूलिंग प्रोसेस को दो और सारी देखे और सारी चीज़ टाइम शेड्यूल के अनुसार हो जाए। तो टाइम शेड्यूलिंग अगर आपने ठीक की है तो पता चल जाता है कि रिसोर्सेज अनयूटिलाइज्ड हैं, एडुकेट हैं, इनएडुकेट हैं, ऑपरेशंस एफिशिएंटली रन आउट कर रहा है कि नहीं रन कर रहा है। तो ये शेड्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्फॉर्मेशन जो ऐसे सिस्टम में एंटर की गई और रिकॉर्ड की गई वो एक्यूरेट हो। इसके बाद एम्प्लॉई परफॉर्मेंस इवेल्यूएशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन अगर एक एंटरप्राइज यूज़ कर रहा है तो वो एम्प्लॉई की अगर रेगुलरली यूज़ कर रहा है तो उन्हें पता चल जाएगा, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस पता चल जाएगा कि एम्प्लॉई कैसे काम कर रहा है। तो कुछ टूल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं कि कैंडिडेट सही है कि नहीं है, उनकी सैलरी को कंपेयर करने के लिए हेल्प करते हैं, दूसरी इंडस्ट्री से कंपेयर करने में उसकी हेल्प करते हैं। परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन जो है एम्प्लॉई की सेटिस्फेक्शन का मेजर भी देखा जा सकता है कि अगर एम्प्लॉई को पता है कि उसे एक रीजनेबल सैलरी मिल रही है तो ऑब्वियसली वो अंदर से सेटिस्फाइड रहेगा। उसे पता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से बेटर सैलरी मिल रही है तो वो सेटिस्फाइड रहेगा। उसके अलावा वैकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वैकेशंस साल में एक बार तो होनी ही चाहिए। उसमें क्या होगा कि उससे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होगा, एक तो जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। दूसरा ये होता है कि अगर कोई आदमी फ्रॉड कर रहा है तो उसके चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि फ्रॉड करने वाला आदमी जानता है कि 15 दिन वो शायद या 20 दिन या पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज वो कंपनी में नहीं रहेगा, और उस समय उसकी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ अनकवर हो सकती हैं। तो अगर कॉल्यूजन है एम्प्लॉई के बीच में तो वो डिस्क्रिपेंसी अनकवर हो सकती हैं उस टाइम पर, और लोग डरेंगे भी और उनको डर रहेगा। तो जॉब रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक एडिशनल कंट्रोल प्रोवाइड करता है ताकि फ्रॉडलेंट और मेलिशियस एक्टिविटी को हम रिड्यूस करें। उसके बाद उससे एक चीज़ और होती है कि सारे एम्प्लॉयज़ एक टास्क हर समय परफॉर्म नहीं करते हैं, और उससे क्या होता है कि जॉब मतलब कोलिजन नहीं होता, फ्रॉड नहीं होता है। तो ये लोगों को अपॉर्चुनिटी, इस जो आपका वैकेशन है, वैकेशन जो है लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है कि मतलब कोई दूसरा आदमी उस पर्टिकुलर जॉब को कर सके, मतलब नोटिस पीरियड। तो अगर कोई इनरेगुलरिटीज़ हैं उनको नोटिस किया जा सके, तो यानी वैकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शेड्यूलिंग और टाइम रिपोर्टिंग होनी चाहिए, प्रॉपर शेड्यूलिंग और टाइम रिपोर्टिंग होनी चाहिए, उससे रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा। परफॉर्मेंस
इवैल्यूएशंस होनी चाहिए, उससे पता चलेगा एम्प्लॉय को सही तरीके से पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सेटिस्फाइड है डिससेटिस्फाइड है। वैकेशन की बहुत ज़रूरत है, तो उससे क्या है कोल्यूजन नहीं होगा, फ्रॉड नहीं होगा, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा और दूसरे आदमी को वो काम करने को मिलेगा। कई बार कई जॉब्स जो होते हैं वो लोग लेसर इंपॉर्टेंट मानते हैं, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, तो जो एम्प्लॉय बाहर गया है उसकी जगह वो दूसरा आदमी काम कर रहा होगा तो वो सेटिस्फाइड फील करेगा, ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करेगा। तो यानी कि उसको उसके स्किल्स होन आउट होंगे, ज़्यादा अच्छे होंगे, उसको ये पता चल जाएगा कि उसको एक प्रस्पेक्टिव मिलेगा, दूसरे एरिया का एक प्रस्पेक्टिव मिलेगा, तो वो जॉब सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय के लिए बैकअप के रूप में काम करना, इन सब चीज़ों में बड़ा हेल्प मिलता है। ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मिलता है, एम्प्लॉय को हेल्प मिलता है। उसके बाद टर्मिनेशन पॉलिसी है। अगर हम आदमी को टर्मिनेट कर रहे हैं तो टर्मिनेशन दो टाइप का होता है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। एक वो जा रहा है, एक हम उसे टर्मिनेट कर रहे हैं, तो दोनों की केसेस में कंट्रोल प्रोसीजर्स हैं। अगर वो खुद टर्मिनेट हो रहा है, कोई बेटर अपॉर्चुनिटी में जा रहा है, अच्छी तरीके से जा रहा है, तो उतना ध्यान देने, सिक्योरिटी के प्रति उतना ध्यान देने की बात नहीं होती। लेकिन अगर हम उसे टर्मिनेट कर रहे हैं तो IS सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमें अपनी पॉलिसीज़ उसी के अनुसार स्ट्रक्चर्ड करनी पड़ेंगी कि अगर कोई आदमी जा रहा है किसी दूसरी कंपनी में जा रहा है तो किस कंपनी में जा रहा है, वॉलंटरी जा रहा है इनवॉलंटरी जा रहा है, कंपीटिंग कंपनी में जा रहा है कि दूसरे सेक्टर में जा रहा है, सेटिस्फाइड होकर जा रहा है कि डिससेटिस्फाइड होकर जा रहा है, तो उसी के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा और उसी के हिसाब से हमें एसेट और डेटा का प्रोटेक्शन प्लान करना पड़ेगा, उनका एडुकेट प्रोटेक्शन प्लान होना चाहिए। तो टर्मिनेशन प्रैक्टिसेस देखिएगा, वॉलंटरी टर्मिनेशन है कि इमीडिएट टर्मिनेशन है। कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉई को बोल दिया जाता है कि कल आपसे ना आओ लेकिन आपका नोटिस पीरियड का पैसा आपको दे दिया जाएगा, तो वो इमीडिएट टर्मिनेशन होता है। तो उस टाइम पर क्या होगा, सारी कीज़, आईडी कार्ड, स्मार्ट कार्ड्स, बैजेस, सारी चीज़ें उससे ले लिए जाते हैं ताकि फिजिकल एक्सेस ना मिल रह पाए। फिर उसके बाद अगर मान लिया सपोज फेलो एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको नोटिफाई किया जाता है कि भाई ये एम्प्लॉयज़ टर्मिनेट हो रहे हैं। उसके बाद क्या है कि उसके जो लॉगिन्स आईडी हैं, पासवर्ड्स हैं, वो टर्मिनेट कर दिए जाते हैं ताकि वो सिस्टम में घुसे ना। उसके बाद अगर पेरोल लिस्ट में है तो उसे पेरोल लिस्ट से निकाल दिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें, सारी चीज़ें की जाती हैं। अगर इमीडिएट टर्मिनेशन है, अगर उसने कुछ गड़बड़ी कर दी है तो प्रमाइसिस के बाहर उसको एस्कॉर्ट कर दिया जाता है, या प्रमाइसिस में रहे तो उस पर दूसरा आदमी हमेशा नज़र रखता है, समथिंग लाइक दैट। आपको ये करना पड़ेगा, ये इसकी पॉलिसीज़ आपको बनाना पड़ेगा। उसके अलावा प्रमाइसिस की सारी प्रॉपर्टीज़ आपको उससे लेनी पड़ेंगी, जैसे लैपटॉप है आपने उसे दिया है, लेना पड़ेगा। टर्मिनेशन के टाइम पर आप एग्जिट इंटरव्यू लेंगे। कई बार क्या होता है कि वॉलंटरी जा रहा है तो क्या रीज़न है, आप उससे रीज़न पूछोगे। इसके बाद एम्प्लॉई हैंडबुक होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉई हैंडबुक जो है, आपने एम्प्लॉई हायर किया तो हायर के टाइम पर एम्प्लॉय को एम्प्लॉय हैंडबुक जनरली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो उसमें क्या है, सिक्योरिटी पॉलिसी और प्रोसीजर्स होती हैं, कंपनी के एक्सेप्शंस होते हैं, एम्प्लॉय के बेनिफिट्स होते हैं, वैकेशन पॉलिसीज़ होती हैं, ओवर टाइम रूल्स होती हैं, आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट होती है, तो ये सारी चीज़ें एम्प्लॉय के हैंडबुक में होती हैं। तो ये हेल्प करती हैं एम्प्लॉय को, आप जब जिस समय ऑर्गेनाइजेशन में ले रहे हो उस समय उसको ट्रेन कर रहे हो या उस समय उसको बता रहे हो, अपने HR एक प्रेजेंटेशन ले रहा है, उसकी एक दिन का उसको ट्रेनिंग सेशन दिया जा रहा है, एक दिन का सेशन दिया जा रहा है, लेकिन एम्प्लॉई हैंडबुक जो है कई चीज़ें में क्लैरिटी नहीं रह पाती है, तो एम्प्लॉई हैंडबुक जो है ये सब चीज़ों में क्लैरिटी लाने में हेल्प करती है। तो एम्प्लॉई हैंडबुक सिक्योरिटी पॉलिसी कवर करेगी, कंपनी के एक्सेप्शंस कवर करेगी, एम्प्लॉई बेनिफिट्स देखेगी, उसके बाद वैकेशन पॉलिसीज़ होंगी, उसमें छुट्टियां कब कब ले सकते हैं, ओवर टाइम रूल्स होंगे, आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट अगर है, वैसे नहीं होता है, सबैटिकल्स होते हैं वो उसमें कवर होते हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन कैसे होगा, इमरजेंसी प्रोसीजर्स क्या हैं, डिसिप्लिनरी एक्शंस क्या होंगे, अगर एक्सेसिव एब्सेंस है, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है या नॉन कंप्लायंस है पॉलिसी के साथ, तो ये सारी चीज़ें उसमें देखनी पड़ेंगी। तो पब्लिश कोड ऑफ कंडक्ट होना पड़ेगा, मतलब बेसिकली वो क्या है, वो पब्लिश्ड कोड ऑफ कंडक्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसमें सारी एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। तो ये अगर मान लीजिए सब उस कंपनी हैंडबुक है तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट से इसका क्या रिलेशन है, इसका ये रिलेशन है कि अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है और उसमें बहुत कम लोग हैं और एक एक आदमी ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज कंट्रोल कर रहा है, जैसे वॉरेन बफेट की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स
का ट्रीट करती है और उसमें 60-70 लोग काम करते हैं, तो उस केस में क्या है, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन पैरामाउंट हो जाता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पैरामाउंट हो जाती है, क्योंकि एक एक आदमी मिलियंस ऑफ डॉलर्स के वर्थ के डिसीजंस ले रहा है, उनको कंट्रोल कर रहा है। अगर वहाँ पर एम्प्लॉई जिसके पास इतनी अथॉरिटीज़ हैं, अगर वो उन अथॉरिटीज़ को सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो सकता है। तो अगला टॉपिक जो है हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बारे में है। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के जो टॉपिक है उसमें हमारी स्टडी ये कहती है कि कोबिट के स्टैंडर्ड्स के बारे में कुछ बताती है। वो कहती है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं कोबिट जो है वो डोमेन 3 में डिलीवरी एंड सपोर्ट की बात करता है। तो वहाँ पर मैनेजमेंट परफॉर्मेंस और कैपेसिटी की वो बात करता है, और मैनेजमेंट जो परफॉर्मेंस है और कैपेसिटी के टर्म्स में कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करता है। तो इन टर्म्स ये डिलीवरी और सपोर्ट के जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं उसके बारे में ये स्टैंडर्ड्स बताता है। तो की बेस्ट प्रैक्टिसेज हमारी स्टडी में दी गई हैं, और वो की बेस्ट प्रैक्टिसेज किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर को जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो ऑडिट करने जाएगा तो ये की बेस्ट प्रैक्टिसेज के बारे में उसे पता होना चाहिए। तो हमने ये पढ़ा है कि तीन चीज़ें होती हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी और इंटेग्रिटी। तो बेसिकली अवेलेबिलिटी को के बारे में जो कोविड बताता है वो ये बोलता है कि अगर बिजनेस नीड्स को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये देखना है कि इन बिजनेस नीड्स के प्रस्पेक्टिव में ये अगर बिजनेस नीड्स हैं, मान लिया सपोज़ कोई बिजनेस नीड्स हैं या कोई सर्विसेज हमें रेंडर करनी है, तो वो सर्विसेज हमारे रेंडर होनी चाहिए, उसकी अवेलेबिलिटी, उस सर्विस की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, उस सर्विस की परफॉर्मेंस होनी चाहिए। अगर उस सर्विस की परफॉर्मेंस नहीं हो रही, अवेलेबिलिटी नहीं हो रही, तो बिजनेस प्रोवाइड नहीं हो रहा है, बिजनेस प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है। अगर मान लिया सपोज़ एक सर्वर है, सर्वर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन अगर सर्वर अवेलेबल नहीं है, सर्वर डाउन हो गया है, तो इसका मतलब वो उसकी परफॉर्मेंस इम्पेयर हो गई। तो हम क्या करते हैं कि जो आईटी के एसेट्स हैं उनको कन्वर्ट कर देते हैं अवेलेबिलिटी के टर्म्स में और रिक्वायरमेंट के टर्म्स में, और ये मेजर करते हैं कि ये अवेलेबल है कि नहीं है। मान लिया सपोज़ कोई फैसिलिटी है, कोई सॉफ्टवेयर है या कोई फैसिलिटी है, वो अवेलेबल है कि नहीं है, कोई डेटा है, डेटा बेस है, वो अवेलेबल है कि नहीं है, कहीं डेटा बेस डाउन तो नहीं हो जाता है। तो अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट के टर्म्स में हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करने लगते हैं। तो एक अवेलेबिलिटी प्लान होना बहुत ज़रूरी है। तो अवेलेबिलिटी प्लान होगा तो उसी के अनुसार हम जो है इंफॉर्मेशन सर्विस की अवेलेबिलिटी को मेजर कर पाएंगे कि कितनी ये अपनी अवेलेबिलिटी अचीव कर पाई है कि नहीं कर पाई, उसकी अवेलेबिलिटी को मॉनिटर कर पाएंगे, उसकी अवेलेबिलिटी को कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सर्वर राउंड द क्लॉक चलना चाहिए और एक मिनट से ज़्यादा डाउन नहीं होना चाहिए कोई सर्वर, सपोज़ कोई एक पर्टिकुलर सर्वर है, या कोई एक पर्टिकुलर सर्वर आधे घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम इन टर्म्स में अवेलेबिलिटी को मॉनिटर करेंगे, उस सर्विस की अवेलेबिलिटी को मॉनिटर करेंगे। तो अगर हम जैसे मान लें सपोज़ कोई प्रोसेस है उसको अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है, तो हम ये देखेंगे कि वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो आईटी रिसोर्सेज की परफॉर्मेंस को हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे और एक्सेप्शंस को रिपोर्ट करेंगे, मतलब एक लॉग बना देंगे, टाइमली मैनर और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, उस लॉग में ये सारी चीज़ होंगी कि प्रोसेस इम्प्लीमेंटेड है कि नहीं है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो रही है कि नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें हम उस लॉग्स में देख लेंगे। उसके अलावा हमारी स्टडी मॉडलिंग टूल्स के बारे में कहती है। जैसे फॉर एग्जांपल आईबीएम जैसी कंपनी है, तो वो क्या है कि कई कंपनी के पास जाती है, वहाँ पर 85 सर्वर है, 100 सर्वर है, हज़ारों 85 सर्वर है, तो वो वहाँ पर जाती है और वो ये देखती है, मॉडलिंग टूल्स लेकर जाती है, मॉडलिंग टूल्स से ये देखती है कि रिसोर्सेज पूरी तरीके के लिए यूटिलाइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। मालूम पड़ा एक सर्वर पड़ा है और कई समय से पड़ा हुआ है, अगर मालूम पड़ा आईबीएम जैसी कंपनी है, वो उसने उसमें एक पर्टिकुलर टीम आई, उसने कहा कि जी मुझे सर्वर चाहिए, इस टाइप का सर्वर चाहिए और मैं इस तरह का सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, इससे एफिशिएंसी आ जाएगी। मालूम पड़ा टीम बनाने लगी उस सॉफ्टवेयर को, तो कई केसेस में सॉफ्टवेयर नहीं बन पाया, कई केसेस में सॉफ्टवेयर बन पाया है तो वो उतना यूज़ नहीं हो पाया, कई बार क्या हुआ मर्जर डीमर्जर हुआ कंपनी का, तो क्या हो गया कि उस सर्वर के इफेक्टिव यूटिलाइजेशन को लोग भूल गए, उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो एक सर्वर एक पर्टिकुलर कैपेसिटी में काम कर रहा है, और लेकिन वो जो रिपोर्ट्स दे रहा है उसको जनरली लोग एनालाइज नहीं कर रहे हैं और उसको डिस्कार्ड भी नहीं कर रहे हैं, एक रीजनेबल लेवल तक उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो
आईटी मैनेजमेंट ये इंश्योर करे करना चाहिए कि जो अगर बड़ी कंपनी है तो उसमें मॉडलिंग टूल्स हों, अप्रोप्रिएट मॉडलिंग टूल्स हों, और करंट सिस्टम की कैपेसिटी उससे पता चल जाए कि क्या क्या कैपेसिटी है इसकी, क्या एक्चुअल वर्कलोड है और क्या रिकमेंडेड वर्कलोड है। तो मॉडलिंग टूल्स इन सब चीज़ों में बड़ी हेल्प करते हैं। वो कैपेसिटी का प्रेडिक्शन करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन रिलायबिलिटी के बारे में जानकारी आपको मिल जाती है, परफॉर्मेंस और अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट के बारे में पता चल जाता है। तो इनडेप्थ टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, और ये इनडेप्थ टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सिस्टम हार्डवेयर हो और ये इवन सॉफ्टवेयर्स हैं, तो उन सबको देखकर वो एक करंट कैपेसिटी के बारे में आपको एक बता देता है, और ये बता देता है कि अनयूटिलाइज कैपेसिटी कितनी है। तो वो ये देखता है कि फोरकास्ट कर सकता है कि फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी आएगी तो इतना और भार पड़ेगा, इतना और डेटा प्रोसेस करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं कि नहीं हैं, इसके बारे में मॉडलिंग टूल हमें एक अंदेशा देने में हेल्प करते हैं। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस जो होगी उसमें फोरकास्टिंग कैपेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि ऐसा कि कोई भी प्रॉब्लम आई वो प्रॉब्लम बड़ी होने से पहले फोरकास्ट होकर उसे ख़त्म किया जा सके, या कि आने से पहले ख़त्म किया जा सके। तो एनालिसिस सिस्टम फेलियर में हम का एनालाइज कर सकते हैं, इरेगुलरिटीज़ कोई हो रही हैं उसको एनालाइज कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं क्या डिग्री ऑफ इम्पैक्ट हो सकता है, अमाउंट ऑफ डैमेज क्या हो सकता है, ये सब मॉडलिंग टूल्स की हेल्प से हो सकता है। और मॉडलिंग क्योंकि कंप्यूटराइज्ड है, कंप्यूटर जो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरीज होती हैं, उसमें डेटा होता है, तो हम उसमें एक मॉडलिंग टूल के थ्रू मॉडल करके ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कंट्रोल्स लगे होने चाहिए। कंट्रोल्स क्या हैं, ये इंश्योर करते हैं कि वर्कलोड फोरकास्ट प्रिपेयर हैं कि नहीं है, ट्रेंड्स आइडेंटिफाई हैं कि नहीं है, और कैपेसिटी प्लान जो फ्यूचर कैपेसिटी प्लान है उसके लिए अकॉर्डिंग कैपेसिटी प्लान कर दी गई है कि नहीं कर दी गई है। तो आईटी मैनेजमेंट को प्लानिंग प्रोसेस क्रिएट करनी चाहिए, और इन्हीं मॉडलिंग टूल्स से की हेल्प से लेकर वो इन प्लानिंग प्रोसेसेस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो जब प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा हार्डवेयर परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे, आप देखेंगे कैपेसिटी है कि नहीं है, कॉस्ट जस्टिफाइबल है कि नहीं है, फ्यूचर में वो कॉस्ट जस्टिफाइबल होगी कि नहीं होगी। तो कैपेसिटी प्लानिंग सिंगल सिनेरियोज़ में नहीं, मल्टीपल सिनेरियोज़ में देखेंगे कि डिफरेंट सिनेरियोज़ होंगे तो क्या कैपेसिटी की ज़रूरत होगी, और अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट उसी के अनुसार देखेंगे कि अवेलेबल कितने समय तक, कौन सिस्टम कितने समय तक अवेलेबल हो पाएगा। तो उसी से आप अवेलेबिलिटी आपको पता चल जाएगी कौन सा सर्वर कितने समय अवेलेबल हो पाएगा। तो फॉल्ट टॉलरेंस मैकेनिज्म क्रिएट कर सकते हैं कि अगर फॉल्ट आया तो ये कुछ एक्स्ट्रा सिस्टम अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। टास्क प्रायोरिटाइजेशन कर सकते हैं, अगर कोई फॉल्ट आया तो प्रायोरिटी ये टास्क होंगे, ये वाले टास्क जो ये पर्टिकुलर टास्क चलेंगे और ये वाले पर्टिकुलर टास्क नहीं चलेंगे। पर्टिकुलर से ऐसे फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंस की ईआरपी चलेगी, लेकिन ऐसा है कि कुछ और चीज़ें बंद की जा सकती हैं। तो इक्विटेबल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का मैकेनिज्म बनाया जा सकता है। तो बेसिकली मॉडलिंग टूल बहुत हेल्प करते हैं, और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में ये हेल्प करते हैं कि परफॉर्मेंस को मैनेज करने में ये हेल्प करते हैं, डिलीवरी और सपोर्ट में ये हेल्प करते हैं। तो कोविड का स्टैंडर्ड हमें यही बताता है, कोविड का स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपको अगर कोविड का स्टैंडर्ड कहाँ पर लगेगा, स्टैंडर्ड्स बड़ी बड़ी कंपनियों में लगते हैं, तो बेसिकली वो बड़ी बड़ी कंपनियों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं, ये हमें ये बताते हैं कि किस तरीके से हम मॉडलिंग टूल्स का यूज़ करेंगे, किस तरीके से इफ़ेक्टिव परफॉर्मेंस को मैनेज करेंगे, मैक्सिमम उससे आउटपुट लेंगे जो हमारे पास आईटी रिसोर्सेज हैं उनसे मैक्सिमम जो मैक्सिमम है आउटपुट लेंगे उससे। इसके अलावा हमारा जो ये कोविड जो है डोमेन 3 डिलीवरेबल्स एंड सपोर्ट ये बताता है कि मैनेजमेंट ने टाइमली एक्विजिशन भी करना चाहिए, क्योंकि टाइमली एक्विजिशन नहीं कर रहे हैं, मालूम पड़ा लोड ज़्यादा हो गया, उसके बाद आप सर्वर वगैरह ले रहे हैं तो उससे क्या है कि लॉस हो जाता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी का लॉस हो जाता है। तो कई बार आपको ये देखना पड़ता है सिस्टम रिजाइलेंट है कि नहीं है, कंटिंजेंसी है कि नहीं है, और स्टोरेज प्लान्स हैं कि नहीं है, फ्यूचर के स्टोरेज वर्कलोड प्लान्स उसमें इनकॉर्पोरेट किए गए हैं कि नहीं किए गए। कई बार थोड़ी सी रिडंडेंट कैपेसिटी आपको लेनी पड़ती है, थोड़ा एक्स्ट्रा कैपेसिटी लेनी पड़ती है। तो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टूल्स जो है वो आपको हेल्प करते हैं। तो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टूल्स सर्वर लेवल पर भी हो सकते हैं, हार्ड डिस्क लेवल पर भी हो सकते हैं, नेटवर्क लेवल
लेवल पर भी हो सकते हैं, एप्लीकेशन लेवल पर भी हो सकते हैं, एंटरप्राइज लेवल पर भी हो सकते हैं। और ये जो की गोल इंडिकेटर्स हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, जो हमने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एस्टेब्लिश किए गए हैं, ये की गोल इंडिकेटर्स इन मॉडलिंग टूल्स की हेल्प से एस्टेब्लिश किए हैं, तो इनसे क्या है कि हम ये पता लगा सकते हैं कि करंट मैच्योरिटी लेवल क्या है किसी सिस्टम का, या एक्सपेक्टेड मैच्योरिटी लेवल क्या है। करंट मैच्योरिटी लेवल का मतलब ये है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जहाँ पर हो रहा है रिसोर्सेज का, और उसके साथ सर्वर में रिजेलेंस है, कंटिंजेंसी के लिए आपके स्पेस है, तो वो करंट मैच्योरिटी लेवल है। एक्सपेक्टेड मैच्योरिटी लेवल ये है कि फ्यूचर में बिजनेस बढ़ेगा तो उसके हिसाब से कहाँ पर सिस्टम मैच्योर होगा, तो उसके ये सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। तो की परफॉर्मेंस मेजर जैसे बजट्स, यूजर सेटिस्फेक्शन, कैपेसिटी, ग्रोथ प्लानिंग, ये सारी की सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें परफॉर्मेंस मेजरमेंट को देखना पड़ेगा। तो यानी कि अगर हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट को अगर रिवाइज़ करने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स स्टैंडर्ड जो है, कोबिट्स जो स्टैंडर्ड है, डोमेन थ्री में डिलीवरी और सपोर्ट के बारे में बताता है, और वो ये कहता है कि आपको परफॉर्मेंस और कैपेसिटी को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके रिगार्डिंग कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताता है, तो वो कहता है कि आप अवेलेबिलिटी देखोगे, सिस्टम अवेलेबल है कि नहीं है, अवेलेबिलिटी एक क्रिटेरिया बनाओगे, उसी के अनुसार फिर आप क्या है मॉडलिंग टूल्स लोगे, मॉडलिंग टूल्स से आप ये देखोगे सिस्टम में कैपेसिटी कितनी है, उसमें रिजाइलेंस है कि नहीं है, वो काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, और ये सर्वर लेवल, हार्ड डिस्क लेवल, नेटवर्क लेवल सब में देखोगे, तो वो आपकी अगर कैपेसिटी का ज़्यादा है तो फिर इसका मतलब ये है कि अंडर यूटिलाइज है, तो आप उसको ज़्यादा यूटिलाइज करने की कोशिश करोगे। अगर कैपेसिटी कम है तो आप फ्यूचर के प्लान्स के अनुसार कैपेसिटी इंक्रीज़ करने की कोशिश करोगे। तो ये बेसिकली परफॉर्मेंस मेजरमेंट है, और ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट सही तरीके से हो रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स मीट आउट हो रहे हैं, अगर ये सही तरीके से नहीं हो रहा है तो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स मीट आउट नहीं हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन उतना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं कॉस्ट उसकी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर पाएगा, तो किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर्स को इन परफॉर्मेंस मेजर मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन में जाकर उन्हें पूछना पड़ेगा कि कौन से मॉडलिंग टूल्स का यूज़ किया जा रहा है, किस तरीके से मॉडलिंग टूल्स का यूज़ किया जा रहा है, कब कब मॉडलिंग टूल्स का यूज़ किया जा रहा है, इन मॉडलिंग टूल्स को यूज़ करके आप फोरकास्टिंग करते हो, कैपेबिलिटी की फोरकास्टिंग करते हो कि नहीं करते हो, अगर करते हो तो क्या आया, फोरकास्टिंग सही होती है कि गलत होती है, फोरकास्टिंग के दूसरी बात मॉडलिंग टूल से आपने क्या सिस्टम की कैपेसिटी देखी कि नहीं देखी, कहाँ पर अंडर यूटिलाइज्ड है, कहाँ पर ओवर यूटिलाइज्ड है, आपके प्रोजेक्शंस क्या बता रहे हैं, जितने प्रोजेक्शंस बना रहे हैं उसी के अनुसार आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट का पार्ट होगी। तो कहने का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में एचआर और परफॉर्मेंस से रिलेटेड चीज़ें आप देखोगे, मतलब सिस्टम की परफॉर्मेंस, ह्यूमन बीइंग की परफॉर्मेंस, सारे रिसोर्स की परफॉर्मेंस और पर्टिकुलरली ह्यूमन बीइंग्स की परफॉर्मेंस भी आप देखोगे। इसलिए देखोगे क्योंकि ह्यूमन बीइंग जहाँ पर हाई वैल्यू चेन में हाई वैल्यू चेन का पार्ट हो जाता है, यानी कि चेन के जो चेन के ऊपर का पार्ट हो जाता है, यानी कि चेन के ऊपरी वैल्यू का पार्ट हो जाता है और नीचे सारी की सारी चेन ऑटोमेटेड होती है, तो उस टाइम पर ह्यूमन बीइंग के डिसीजंस जो हैं वो कंपनी मिलियंस ऑफ डॉलर्स को अफेक्ट कर सकते हैं, कंपनी की वैल्यू को अफेक्ट कर सकते हैं। तो उस टाइम पर आपको ये देखना पड़ेगा कि बंदे जो आप रख रहे हो रिसोर्सेज को रख रहे हो सही रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो। इसी तरह से सिस्टम की परफॉर्मेंस मेजरमेंट आपको देखनी पड़ेगी। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर को ये सारी चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी परस्पेक्टिव से उसे ऑडिट करना पड़ेगा। थैंक्स।